हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा क्या राहुल ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, और आज मैं अपना ब्लॉग चैनल को नहीं संभाल रहा हूँ, मेरा ब्लॉग चैनल को आज संभालने वाले जा रहे हैं मेरे मामा श्री। सो आज जैसे कि वेगना श्री ने बताया कि आज का जो ब्लॉग है पूरा ब्लॉग को जो है मुझे ही करना है, क्योंकि मेरे ही ऊपर जो है वेगना अभी बोल दिए कि मेरे मामा जी ही जो है पूरा ब्लॉग को संभालेंगे। तो गाइस चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे मौका मिला और वेगना को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी जो है एक टैग चैनल है जिसमें मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूब का कुछ भी अपडेट आता है उसका जो है वीडियो मैं अपने टैग चैनल पर डालता हूँ। तो गाइस अगर किसी का किसी भी तरह का अगर यूट्यूब से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए या यूट्यूब का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गाइस मुझसे जो है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक में डाल दूंगा इस ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग जो है घर से बहुत ही दूर में आके जो है अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और पूरा रास्ता हम लोग ऐसे ही आए, लेकिन हम लोग जो है वीडियो नहीं बनाए। अब जो है हम लोग क्यों वीडियो बनाए हैं, क्यों वीडियो हम लोग आज का बना रहे हैं, आप लोग को मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी जो है हम लोग एक ऐसे शख्सियत और ऐसे हस्ती से के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं जो कि झारखंड पुरुलिया का बहुत ही पॉपुलर और नामी सिंगर है। उससे हम लोग जो है अभी आप लोग को जो है रूबरू कराएंगे इस ब्लॉग पे। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उनसे काफ़ी चीज़ हम लोग जो है पूछने भी वाले हैं। तो वो कहाँ से मतलब अपना सिंगिंग लाइन शुरुआत किया, ये सारा चीज़ जो है इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये ब्लॉग। तो चलते हैं तब। और उस ब्लॉग से मतलब ब्लॉग पे बने रहने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए ब्लॉग पे बने रहे। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलिए आप लोगों को रूबरू इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो चलिए ब्लॉग भी बनाए रहिए। सो फ्रेंड, जिस शख्सियत से मिलने के लिए हम लोग घर से निकले थे उनका जो है अभी हम लोग जो है घर पे पहुंच गए हैं और अभी देख सकते हैं ये है सुधीर दा और झारखंड बंगाल का जो है बहुत ही विख्यात सिंगर है और इनका जो है बहुत सारा सॉन्ग जो है वायरल भी हुआ है, अच्छा खासा वायरल हुआ है। तो चलिए अभी जो है दादा सिंह जानेंगे कौन सा सॉन्ग ज़्यादा वायरल हुआ है और अभी कौन सा जो है सॉन्ग अभी इनका अभी चैनल है, खुद का चैनल है, तो कितना वीडियो अभी बना चुके हैं सारा चीज़ अभी जो है आप लोग जो है रूबरू कराते हैं। तो चलिए। सो फ्रेंड, अभी हम लोग जो है बैठे हैं सुधीर दा के पास और चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके और दादा से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो दादा कुछ बोलिए मेरे सब्सक्राइबर को। जोहार तोरा के, आज हमें तो बहुत बहुत सौभाग्य विषय जे सुभाष दा हमारे पास पहुँचल है और यह जे हमारा घर चैनलटी नाम तो केयर 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 राहुल ऑफिशियल चैनल तरह चैनल टके देखे है, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो। आज के बड़ा बात जाओ कि हमारा पूरा मनोबल टा बढ़ाए देवे है, यह कहीं हम आरो नतून नतून गीत सब रकम पाइबे
तो चलिए अभी दादा से थोड़ा पूछते हैं तब। अच्छा दादा आप बताइए, आप शुरुआत मतलब कब से इस लाइन में है? हम तो इस लाइन में छोटा से है, जब स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम से चला था, लेकिन उस टाइम गाना वाना स्कूल में गाते थे। अच्छा, ऐसे घर में भी। उसके बाद आपका फर्स्ट एल्बम आपका कौन सा हुआ, जो मतलब आप वीडियो भी बनाए और ऑडियो भी बनाए? सबसे पहला वीडियो, मतलब वीडियो नहीं बनाता है, ऑडियो बनाए थे ना। हाँ, तो पहला ऑडियो आपका कौन सा? सबसे पहला ऑडियो था जो अभी वीडियो निकाले हैं, इस साल अगले साल निकालते नया साल। थोड़ा आप थोड़ा दर्शकों को थोड़ा बताइए, ऑडियंस को कौन सा गाना थोड़ा गा के सुनाइए। ऐ सुन के धनी सना मनी दी है जे दिल हिपट गे, नया साल मुबारक हो देवो तोरा गिफ्ट गे, नया साल मुबारक हो देवो तोरा गे। सच कही दे हो गोरी मानिया ना मान, बड़ी फुर्सत बना वाला भगवान। सच कही दे हो गोरी मानिया ना मान, बड़ी फुर्सत बना वाला भगवान। कच्ची खीरा रखम गोरी देखा है सोलेट गे, नया साल मुबारक हो देवो तोरा गिफ्ट गे, नया साल मुबारक हो देवो तोरा गिफ्ट। चलिए आप बात करते हैं दादा, बताइए मतलब अभी तक मतलब आप कितना एल्बम बना चुके हैं? अभी तो हम ज़्यादा नहीं बनाए हैं, मोटा मोटी हाँ 6-7 को होगा। और आपका खुद का भी चैनल है ना? हाँ, आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा सब्सक्राइबर को बता दीजिए, आपका चैनल में जाके भी आपका और भी वीडियो जो है आपका देखेगा। मेरा चैनल का नाम होता सुधीर महतो झूमर, आप लोग देखिएगा। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा सुधीर महतो झूमर करके, आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, इनका चैनल का जो मिल जाएगा लिंक। तो हाल ही में इसके बाद दो एक दिन के बाद फिर नया नया गाना दो तीन बार आ है टुसुका। अच्छा आप अभी तक स्टेज प्रोग्राम कितना कर चुके हैं? अभी स्टेज प्रोग्राम तो कोई नीमा सीमा नहीं है, बहुत हम नहीं बोल सकते हैं इतना प्रोग्राम हुआ। मतलब स्टेज प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं दादा, कम से कम तो 1000 पार होगा हमको लग रहा है, क्योंकि 8-9 साल से तो आप इस लाइन में जुड़े हैं। हाँ, तो बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं दादा और अभी भी कर रहे हैं। तो अभी आपका और एक गाना जो बहुत मतलब शादी घर में बजता है, वो संगी जुड़ी वाला एक गाना जो है। हाँ, दादा का ही है जो संगी जुड़ी ब्याह। हाँ, तो ये सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है पिछला साल 2020 में, बहुत ज़्यादा बजा हर शादी घर में, हर पार्टी में, मतलब ये गाना सुनने को मिलता है। तो आपको कैसा लगता है जब आपका गाँव में या फिर आप कहीं जाते हैं तो शादी पार्टी में, और आपका अगर ये सॉन्ग अगर जब बज रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? हमको तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, पूरा दिल खुश हो जाता है। आप थोड़ा दर्शकों को थोड़ा बताइए, ऑडियंस को क्यों करना, थोड़ा गा के सुनाइए। संगे जोड़े के बहुत देखे जो टोक पोटो को मोहन, संगे जोड़े के बहुत देखे जो टोक पोटो को मोहन, मने भाव भाव गो हमर बिहा है तेज कखन, भाव भाव गो हमर बिहा है तेज कखन। দাদা ইয়া রকো হয় দু এক বছর সবুর কর, দাদা ইয়া রকো হয় দু এক বছর সবুর কর, তোরাই কোহা কোহা গো কবে এবার সাজো ভাঙে বর, তোরা কোহা কোহা গো কবে এবার সাজো ভাঙে বর। সো গাইস বহুত হি জাদা শুনে কা মন করতা ইয়ে সং, और काफ़ी मज़ा आता है सुनने में, और शादी ब्याह में तो ये गाना जो है बहुत ही ज़्यादा बजता भी है, अभी भी बजता ही है। और गाइस अगर आप लोग को वीडियो देखना है इस गाना का, तो आप लोग जो है सुधीर महतो झूमर करके आप लोग जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आप लोग को ये गाना मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी वाला सॉन्ग है। तो चलिए अभी हम आप बुलाते हैं, अब जिनका चैनल है उनको बुलाते हैं, और वही चैनल वही जो है इस वीडियो को जो है एंड करेगा, ठीक है? KL राहुल को बुलाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, जितना मैंने सुधीर चाचा के बारे में सुने थे वो उससे भी कई गुना बहुत ही बेहतरीन, मतलब मिलके अच्छा लगा हमको, और मेरे मामा श्री ने मुझे मौका दिया लाने के लिए। तो उसका भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे सुधीर चाचा का भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक चाचा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी मतलब कुछ बताइए आप मेरे चैनल को, मेरे चैनल के बारे में क्या, मतलब मेरा मतलब ब्लॉग चैनल है अके राहुल,
ऑफिशियल इस चैनल को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे मेरा भतीजा, इसको भी आगे बढ़ाए आप लोगों की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को और यदि हमको और यदि मौका मिलेगा आने के लिए, तो आप लोग को और वीडियो में आप लोग को ब्लॉग बनाया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय फ्रेंड्स।